हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, उनका रिजल्ट रिलेटेड एंड उनका एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। आप बोल सकते हैं ए समय नाम का एक न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे क्या बोला गया है हम लोग इन डिटेल्स जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा चावाई कटुक्ति, गृहयुद्ध पड़ुआदर मध्य। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है पहले हम लोग जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो पेज है यहाँ पे। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया था कल यही समय नाम का एक पेपर में, जहां पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालयের অন্তর্গত কলেজগুলির বিএ বিএসসির প্রথম সেমিস্টার এবং বিকমের তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হলো। এই পরীক্ষা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের তরফে যে কলেজগুলি লকডাউনের জন্য এই পরীক্ষার ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের নম্বর জমা দিতে পারেনি, তাদের দ্রুত তা করতে বলা হয়েছে। বিকমের ক্ষেত্রে অনেক কলেজে পড়ে থাকা খাতা হেড এক্সামিনারের কাছে পৌঁছে দিতেও বলা হয়েছে। মতলব জো জো স্টুডেন্ট সোচ রয়ে থে বিএ বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টার এন্ড বিকম কা থার্ড এন্ড ফিফথ সেমিস্টার কে স্টুডেন্ট উনকা রেজাল্ট কে বারে মে, তো আপ টেনশন মত কিজিয়ে। আপ লোগো কা পেজ জো হ্যায় ও চেক করনা চালু কর দিয়া গিয়া হ্যায় অলরেডি, অর আপ লোগো কো বহুত হি জলদি আপ লোগো কা রেজাল্ট मिल जाएगा। जो जो स्टूडेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन सा स्टूडेंट, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एंड बीकॉम का थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट्स। अब चलिए सभी के लिए क्या डिस्कस किया गया है वो हम लोग बोल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हर एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए एक्चुअली एग्जाम्स के बारे में बहुत सारा चीज़ अभी सुना जा रहा था। पहले क्या हुआ था, पहले स्टूडेंट लोग एक ही ग्रुप में एडमिन थे, आप बोल सकते हैं बहुत सारा स्टूडेंट, उन्होंने एक आप बोल सकते हैं कैंपेन स्टार्ट किया था, जो कि था आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इजीली आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा था आपका एगेंस्ट एग्ज़ाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एगेंस्ट एग्ज़ाम नाम का एक ग्रुप खुला गया था, आप बोल सकते हैं फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जहाँ पे बोला जा रहा था कि एग्ज़ाम नहीं देंगे इस टाइम के अंदर, इस कोरोना सिचुएशन के अंदर। उसके बाद एक और भी ग्रुप तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये जो और एक ग्रुप तैयार किया गया है, जहाँ पे बोला जा रहा है फॉर एग्ज़ाम, मतलब जो कि सपोर्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को। तो ये दो एग्ज़ाम का आप बोल सकते हैं ग्रुप तैयार किया गया है, जहाँ पे एक जगह पे बोल रहा है कि आप एगेंस्ट एग्ज़ाम है, और एक जगह पे स्टूडेंट्स लोग, दो ही स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, और एक बोल रहा है कि वो एग्ज़ाम सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नाम दिया गया है सपोर्ट एग्ज़ाम। देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो जो एगेंस्ट एग्ज़ाम में है वो बोल रहे हैं कि इस टाइम के अंदर किसी भी हालत पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट का। वो लोग चाहते हैं कि 50% प्रीवियस सेमेस्टर से एंड 50% इस सेमेस्टर में, या फिर इस ईयर में आपका जो नंबर अभी तक आप लोगों को मिला है वहाँ से आपको दिया जाए, जो कि यूजीसी से भी आप बोल सकते हैं बोला गया था। पर यहाँ पे एक नया ग्रुप तैयार किया गया है जो कि सपोर्ट एग्ज़ाम को आप बोल सकते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम को, उनका रीज़न यही है क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, अगर एग्ज़ाम ना देखते हो सकता है कोई, अगर फ्यूचर में जाने कि आप 2020 का बैच है, तो कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा आपको कि आप 2020 का बैच है, वही बैच जो 2020 में एग्ज़ाम ना दे के उनको डिग्री मिल चुका है, और हो सकता है फ्यूचर में उनको जॉब का प्रॉब्लम हो। तो ये सब सिचुएशन अगर हो तो वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम होना चाहिए, और एग्ज़ाम होगा तो आप बोल सकते हैं या तो फिर 2-3 महीना बाद लीजिए एग्ज़ाम, जो कि कॉलेज हो जाने के 2-3 महीना बाद, और अगर आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे 50% आपका नहीं होगा, पूरा आपका जो एग्ज़ाम का नंबर है सभी आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा एंड वहाँ से ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारा टाइम में ऐसा होता है कि प्रीवियस जो सेमिस्टर है स्टूडेंट्स लोग बहुत ख़राब दिए हैं, या फिर कोई सेमिस्टर में आप बोल सकते हैं एकदम प्रिपेयर नहीं थे, या फिर 1+1+1 सिस्टम का अगर है तो एक ईयर का रिजल्ट आप पकड़ लीजिए आपका बहुत ही खराब आया था, तो वो सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आपका लिया जाए फिर एवरेज किया जाए तो आपका नंबर कम आ जाएगा, जहां इस सेमेस्टर में इस ईयर में अगर आप प्रिपेयर बहुत ही अच्छा रहे फिर भी। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ आप बोल सकते हैं अगर किया जाए
तो हो सकता है कोई कोई स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करे। तो यहाँ पे दो ग्रुप में आप बोल सकते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कम्युनिटी अभी डिवाइड हो चुके हैं। एक बोल रहे हैं हैशटैग अगेंस्ट एग्जाम, एक बोल रहे हैं हैशटैग सपोर्ट एग्जाम। तो आप क्या चाहते हैं ज़रा सोच के मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप लोग एक्चुअली कौन से ग्रुप पे हैं या क्या आप चाहते हैं। और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो चाहते हैं मुझे लगता है वही डिसीजन लिया जाएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था हर एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का। अगर ये न्यूज़पेपर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं एक बार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप ये न्यूज़पेपर एक बार पढ़ सकते हैं। ये एई शोमोई नाम का एक न्यूज़पेपर में आया है जो कि आप बोल सकते हैं ये पब्लिश किए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था हर एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्त बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर कीजिए ताकि पता चले कि आप लोगों का दोस्त हो या फिर आप लोगों का सीनियर हो जूनियर हो कौन सा ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप को आप बोल सकते हैं मान रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ग्रुप मेजोरिटी होगा, जो ग्रुप आप बोल सकते हैं ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे, उनको ही आप बोल सकते हैं कॉलेजेस से या फिर यूनिवर्सिटी से माना जाएगा। तो आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बताइए, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप को आप सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने बनाया, इस चैनल पर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हर एक टाइम में मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।